बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं होम्योस्टेसिस का। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि होम्योस्टेसिस जो है वो क्या होता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस जो है ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको एक ख़ास सेट पॉइंट पे जो है वो मेंटेन करके रखना। ठीक है, जहाँ पे उसकी जो सेल्स टिश्यूज़ की वर्किंग या उनकी एंजाइमेटिक वर्किंग जो है वो पॉसिबल हो सके। ठीक है, वहाँ पे उनको जो है वो मेंटेन करके रखना जो है वो होम्योस्टेसिस है। ठीक है, होम्योस्टेसिस में हम क्या करते हैं कि बाहर के इन्वायरमेंट में चाहे जितने मर्ज़ी चेंजेस हों, ठीक है, वाटर चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो या किसी और तरह का चेंज हो, तो हम क्या करते हैं कि अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको एक ख़ास हद तक जो है वो मेंटेन करके रखते हैं, चूँकि जहाँ तक वो हमारी बॉडी रिक्वायर कर रही हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं कि हम अपनी बॉडी का सारे एनिमल्स जो हैं वो कोर टेम्परेचर जो है वो, या ह्यूमन बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 तक ही मेंटेन रखते हैं। समर में चूंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है बाहर का, ठीक है, 39 तक, 40 तक भी इवन चला जाता है, लेकिन हमारी बॉडी के इंजाइम्स की वर्किंग जो है वो 37 पे ही जो है वो मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से। तो फिर हम क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है वो कुछ एडेप्टेशन ले लेते हैं। जैसे हम जो है वो सायेदार जगह में बैठते हैं, ठंडी चीज़ें जो है वो खाते पीते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 तक मेंटेन रहता है। मीन्स कि हम अपनी बॉडी के अंदर ऐसी एडेप्टेशन ले आते हैं कि जो टेम्परेचर है वो 37 तक ही रहे। ठीक है, अगर टेम्परेचर 37 से ऊपर जाएगा या इससे कम होगा तो फिर वो डिजीज़ कंडीशन की तरफ लेके जाएगा आपको। टेम्परेचर हो सकता है या फीवर हो सकता है। ठीक है, 37 से लो होगा तो चिल की तरफ जो है वो आप जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 1 ग्राम पर लीटर है। ठीक है, अगर जो है वो ग्लूकोज लेवल इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि वो डिज़ीज़ कंडीशन की तरफ लेके जा रहा होता है, जिसका नाम जो है वो डायबिटीज़ हो सकता है। मीन्स कि शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 1 ग्राम से ज़्यादा होगा तो आपको ब्लड शुगर हो सकती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो उसको मेंटेन जो है वो यहाँ तक रखा जा सकता है या रखना चाहिए, चाहे आप जितनी मर्ज़ी कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो फूड है वो ले रहे हो। ठीक है, अगर ज़्यादा आप ग्लूकोज वाली फूड ले रहे हैं तो क्या होगा कि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, या आप ज़्यादा स्वीट चीज़ें ले रहे हैं तो वो आपके लिवर और किडनीज़ के अंदर एक्स्ट्रा जो अमाउंट होगी ग्लूकोज की वो स्टोर हो जाएगी। और इन केस जब आप ग्लूकोज का इंटेक नहीं कर रहे होते और आपका जो ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है, तो वो क्या होगा कि किडनी या लिवर से जो स्टोर आपके मसल से, सॉरी, ठीक है, आपके मसल से या आपके लिवर से जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो फिर आके आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो 1 ग्राम पर लीटर तक मेंटेन कर देगी। ठीक है, होम्योस्टेसिस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो ओस्मो रेगुलेशन आता है। ओस्मो का वर्ड आपको पता है, जहाँ भी लगे इसका मतलब जो है वो वाटर होता है। ठीक है, ओस्मो मीन्स वाटर रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप ओस्मो रेगुलेशन के अंदर अपनी जो बॉडी के सेल्स या टिश्यूज़ हैं उनके अंदर क्या करते हैं कि पानी और सॉल्ट्स जो हैं उनकी एक ख़ास मिकदार जो है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन टिश्यूज़ एंड सेल्स, टिश्यूज़ के अंदर या सेल्स के अंदर पानी जो है जितनी सेल्स को उनकी रिक्वायरमेंट होती है टिश्यूज़ को, उतना ही जो है वो मेंटेन करना होता है ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन अब इन केस अगर आपने ज़्यादा वाटर का इनटेक कर लिया है, ठीक है, आपके सेल्स में एक्स्ट्रा वाटर है, तो सेल्स और टिश्यूज़ क्या करेंगे कि डिफ्यूजन या ओस्मोसिस के प्रोसेस से, ठीक है, अगर कहीं पे आपके किसी टिश्यू या सेल में पानी की कमी है, ठीक है, या पानी की जो है वो ज़्यादती है, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी के एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक वाटर की मूवमेंट, या आउटर इन्वायरमेंट से आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर की मूवमेंट्स है वो होगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, दोनों केस में क्या होता है
के मालिक्यूल्स, अब चूंकि हम वाटर रेगुलेशन को पढ़ रहे हैं तो पानी के मालिक्यूल्स क्या करेंगे कि ज़्यादा कंसंट्रेटेड एरिया से लेस कंसंट्रेटेड एरिया की तरफ आएंगे और वहाँ पे आके जो है वो पानी की कमी पूरी कर देंगे। और अगर सेल्स में एक्स्ट्रा पानी है तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह थर्मो रेगुलेशन है, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन जो है नाम से पता चल रहा है, टर्म जो थर्म है ये हीट या टेम्परेचर के लिए यूज़ होती है, ठीक है, हीट या टेम्परेचर के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है कि बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट द चेंज और फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब कि बाहर के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चाहे 40 डिग्री है, ठीक है, 42 डिग्री है, 39 डिग्री है, लेकिन ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का टेम्परेचर जितना है, जितना उनको रिक्वायर होता है वहाँ तक मेंटेन करके रखना जो है वो थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब टेम्परेचर की मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है? टेम्परेचर की मेंटेनेंस इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो बॉडी की इंजाइम्स हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर पर जो है वो उनकी वर्किंग होती है, ठीक है, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री से ज़्यादा होगा तो बॉडी के जो इंजाइम्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा हीट अप होने की वजह से क्या होगा कि इंजाइम्स का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इंजाइम्स प्रॉपर वर्किंग जो है वो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। एक्सक्रीशन के प्रोसेस में क्या किया जाता है, ये भी होम्योस्टेसिस का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि बॉडी से जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट निकाले जाते हैं, यानी कि जिस फूड का हम इनटेक करते हैं, ठीक है, उसकी जब नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म होती है तो उससे जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, जो कि बॉडी के लिए जो है वो हार्मफुल हो सकते हैं या बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन मटेरियल्स का जो है बॉडी से रिमूव करवाना जो है वो कहलाता है एक्सक्रीशन, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक वेस्ट को भी ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि बॉडी में ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस पैदा होते हैं और बॉडी को जो है वो हार्म्स पहुंचा सकते हैं या वो बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होते, तो उनका बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। अगर हम होम्योस्टेसिस की इम्पोर्टेंस की बात करें, जैसे कि हमने साथ साथ टर्म्स जब डिस्कस की तो हमने देखा कि जो बॉडी के सेल्स हैं उनकी एक जो है वो बॉडी की इंटरनल कंडीशन एक ख़ास पॉइंट पे जो है वो उसको सेट रखना, ये बॉडी के सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर मतलब वो फर्ज करो वो टेम्परेचर है या वाटर है तो जितना बॉडी को रिक्वायर हो अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि वो डिज़ीज़ कंडीशन की तरफ लेके जाता है। इस वजह से क्या है कि बॉडी के सेल्स की जो है वो एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी जो इंटरनल कंडीशन है, ठीक है, सेल्स की इंटरनल कंडीशन वो अनचेंज रहे, उसमें चेंज जो है वो ना आए, ठीक है। इसी तरह जो है हमने देखा कि जो इंजाइम्स हैं उनकी जो एफिशिएंट वर्किंग या प्रॉपर वर्किंग है वो भी जो है वो होम्योस्टेसिस के एक ख़ास पॉइंट पे होती है।